एक और धमाकेदार सेशन के बाद निफ्टी ने बंद होते होते एक छोटा सा करेक्शन दिया, लेकिन क्या इस करेक्शन का मतलब हम ये समझे कि कल मार्केट में ये करेक्शन कंटिन्यू होने वाला है, या हम ये समझे कि हर दिन मार्केट जो गैप डाउन ओपन होकर वापस से अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू करता है, क्या ये अपवर्ड जर्नी लगने वाली है कल, और क्या मार्केट नया हाई लगाने वाला है? तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो पहले बहुत सिंपलिसिटी से शुरू करते हैं, क्योंकि आई ऑलवेज लाइक टू कीप माई थिंग्स वेरी वेरी सिंपल, और आपको भी सिंपल रखनी चाहिए। याद रखिए, मैं हमेशा लर्निंग पे फोकस करता हूँ, इसीलिए पहली लर्निंग चैप्टर आपके लिए है कि अपने चार्ट्स को और अपने आप को बहुत सिंपल रखिए। अब अगर ये पूरा डायग्राम आप देख रहे हैं निफ्टी के चार्ट पे, तो यहाँ पे आपको एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी। तो दोस्तों, ये जो रेड लाइन है, दिस इज आवर रेजिस्टेंस लाइन, एंड वी ऑल नो दैट 1, 2, 3 टाइम्स रेजिस्टेंस ले चुका है, फोर्थ टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का इसने ट्राई किया था, लेकिन उससे पहले एक फॉल आ गया। एंड उसके अलावा ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, दिस सीम्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल विच इज अराउंड 18,050 लेवल्स। तो एक चीज कंफर्म है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी बहुत क्लियर है, जो सपोर्ट है वो भी बहुत क्लियर। तो अब कोई भी जो एक्सट्रीम्स की तेजी या एक्सट्रीम्स की मंदी आएगी, वो रेड जोन के ऊपर तेजी आएगी या ग्रीन जोन के नीचे मंदी आएगी। ठीक, तो यहां तक तो बात क्लियर है। अब इस जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं ब्रॉडनिंग पैटर्न। अब ब्रॉडनिंग पैटर्न का मतलब कि वॉलेटिलिटी मार्केट में रहने वाली है, वॉलेटिलिटी रहेगी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में डेफिनेटली जब जब रेजिस्टेंस टच करेंगे, प्राइसेस नीचे आने की कोशिश करेंगे, और जब भी सपोर्ट टच करेंगे, प्राइसेस ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और ये बात मैं अभी से नहीं, लास्ट काफी टाइम से इस चीज को एक्सप्लेन आप लोग को कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे समझने वाली बात यह है कि निफ्टी ने आज एक और बार रेजिस्टेंस टच किया, एंड बाय द वे लेट मी टेल यू कि आज लाइव सेशन में हमने इसी रेजिस्टेंस पे एग्जैक्ट आपका 18,460 पे हमने बोला था सेल करिएगा, और जब वो 55-58 चल रहा था हमने सेल किया, एंड वी गेन दिस हार्डली 60 or 80 points, क्योंकि लास्ट तक हमने होल्ड किया, 60-80 पॉइंट्स का हमें गेन हुआ। अब यहाँ पे मैंने आज बंद होते होते अपने लाइव सेशन में बोला कि कल ये जो एक छोटा सा करेक्शन आया है, इसको कंटिन्यू होना चाहिए, और मार्केट मिनिमम, क्योंकि मार्केट ने ये जो आपका वाइट लाइन देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो रेजिस्टेंस था इसको क्रॉस होके ऊपर गया था। तो कल अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, 340 के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, देन डेफिनेटली हम 260-270 तक देखने वाले हैं लेवल्स। और लेकिन अगर मार्केट कल 270-260 से भी नीचे गया, तो डेफिनेटली हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए, आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए, इनफैक्ट एक्सपायरी तक के लिए 18,060-18,070 के लेवल्स पॉपअप हो जाएंगे या ओपन हो जाएंगे। अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं कि अगर मार्केट ने कल 270-260 का जो सपोर्ट है, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन पे सपोर्ट लिया, तो यहां से चांसेस हाई होंगे कि निफ्टी बाउंस बैक करे। करना भी चाहिए, क्योंकि एक अप ट्रेंड में चल रहा है, निफ्टी बाउंस बैक करे और वापस से एक अपवर्ड की जर्नी शुरू करे। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि दोस्तों ये जो ब्रॉडनिंग पैटर्न है रेड और ग्रीन के बीच में, दिस ब्रॉडनिंग पैटर्न इज अ वॉलेटाइल पैटर्न। तो आप किसी भी जगह पे ट्रेड लोगे तो आपको एज अ ट्रेडर इश्यूज आएंगे। इसलिए मैं लास्ट कुछ दिनों से अपने लाइव सेशंस में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए ज्यादा फॉर्मेट या स्कैल्पिंग के लिए ज्यादा ट्राई करिए, रादर देन आप किसी भी स्विंग ट्रेड के लिए ट्राई करें। तो कल के लिए आपको बस ख्याल ये रखना है कि ऊपर में कल भी रेजिस्टेंस आपका अराउंड 500-550 के जोन में होगा, 18,500-18,050 के जोन में होगा, और डाउन साइड में आपके लिए 270-290 के बीच में सपोर्ट होने वाला है। और अगर इसके नीचे जाता है, देन डेफिनेटली वी विल हैव अ वेरी वेरी गुड मौका कि जहां पे हम एक डाउन साइड के लिए प्ले करें, और किसी भी रेजिस्टेंस पे, किसी भी राइज पे, किसी भी पुल बैक पे हम फिर से शॉर्ट करें और 18,050-18,060 के लेवल्स तक लेके जाएं। तो बहुत सिंपल चार्ट है, कॉम्प्लिकेट मत करिएगा, कोई भी इंडिकेटर यूज मत करिएगा, कोई भी और चीज इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिंपल से ये लेवल्स जो मैंने बताए अगर आपने नोट किए, देन डेफिनेटली कल के दिन आप ट्रेड भी अच्छा करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, और हाँ, अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं तो यू विल एंजॉय आवर ग्रुप ट्रेडिंग, जो कि अपने आप में एक अनोखी है, अपने आप में एक अनोखी एक्सरसाइज है, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, डेफिनेटली आई वुड लव टू आंसर। लेकिन याद रखिए, 500-550 एक रेजिस्टेंस होने वाला है, और नीचे में जब तक 18,000 के ऊपर है तब तक एक अप ट्रेंड कंटिन्यू है, लेकिन 260-270 के नीचे आपके लिए 18,000 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो इस ऑल जो भी लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, इनको ध्यान रखिए और कल के ट्रेड के लिए अपने आपको प्रिपेयर करिए। दोस्तों, मुनाफे का आपका फायदा हो, कल मुनाफा आपको मिले,
यही हमारी अपेक्षा है। एंड डेफिनेटली कल मैं फिर एक वीडियो के साथ आऊंगा और बताऊंगा कि कल मैंने क्या ट्रेड किया, और अगर आपको जानना है क्या ट्रेड किया तो लाइव सेशंस को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।